तो आज हम सीखने वाले हैं क्या? जादू। जादू। कितने बच्चे जादू सीखना चाहते हैं? सब सीखना चाहते हैं? यस सर। वेरी गुड। अब देखो, हमारे पास एक कैलेंडर लिया है हमने, कौन सा? सितंबर। कौन से साल का? 2018 का। ठीक है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर सितंबर 2018 का हमने कैलेंडर लिया है। अब देखो, यहाँ पर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब देखो, इस कैलेंडर के हिसाब से 19 तारीख को, मतलब 19 तारीख को कौन सा डे आ रहा है? 19 वेडनेसडे। ठीक है, क्लियर है? yes. इसका मतलब 19 को जो ये वाला जो डे है, ये क्या है हमारा? वेडनेसडे। अब आपको एक चीज़ बतानी है मुझे, आपको मुझे क्या बताना है कि जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबर्स के हिसाब से क्या हम इसमें कोई स्क्वायर बना सकते हैं? स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। आमने सामने बताओ कौन कौन सी संख्याएं लें हम, जिससे कि बन जाए 25, 26, 27, 18, 19, 20 और 11, 12, 13। तीन इधर से ले लेते, तीन इधर से ले लेते, तो बराबर बराबर हो जाएंगे साइड्स। इन सब संख्याओं को हम एक साथ ले लेते हैं। बन गया एक स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, ये जो स्क्वायर हमने बना दिया है, इस स्क्वायर के सबसे सेंटर में कौन सा नंबर है? 19 है। अब हमको कुछ लाइंस खींचनी है। हमको कितनी लाइंस खींचनी है? हमको कुछ ऐसी लाइंस खींचनी है जो कि वो लाइंस उस 19 को काटते हुए जाएं, काटते हुए जाएं। कहाँ से खींचें? हाँ, ऐसे में। वेरी गुड। एक, दो। वेरी गुड। तीन और चार। ठीक है, चार लाइंस हमने खींच ली हैं। ठीक हो गया? तो ये लाइंस हमने खींच ली हैं। कितनी लाइंस हो गई अब हमारे पास टोटल? ये देखो, एक, वन, टू, थ्री, फोर। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी लाइन खींची नहीं जा सकती। ठीक है, वन, टू, थ्री, फोर। अब देखो, एक लाइन पे जो जो संख्याएं आ रही हैं, अब वो संख्याओं को हमको लिखना है। देखो, कौन सी संख्या आ रही सबसे पहले इस लाइन पे? 11। बीच में प्लस लगाना है हमने। 11 प्लस 19 प्लस 27। ठीक है, अब देखो इस लाइन पे देखते हैं। 25 प्लस 19 प्लस 13। वेरी गुड। अब इस लाइन पे देखो, 12 19 और 29। इस लाइन पे देखो आप, 18 प्लस 19 प्लस 29 20। ठीक हो गया। अब हम इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, जोड़ें इनको। इसको ऐसे में जोड़ सकते हैं हम? बताओ, 9 और 1 10 10 और 7 17 17 का 7। एक हो गया हमारा कैरी। 2 और 1 2 और 3 और 1 4 और 1 5। कितना हो गया? 57। फिर इसको भी टोटल करने देखो। 9 और 5 14 और 14 और 3 17 17 का 7। फिर 1 हासिल आ गया। 1 और 1 2 और 1 3 और 2 4 5। देखो 57। अब जितने भी ये लाइंस होंगे, इन सब का टोटल यही आएगा। मतलब एक का टोटल निकालना है तुमने और सबका टोटल हमारे पास आ जाएगा। सबका टोटल हमेशा बराबर होता है, तो यही मैजिक है। ठीक है, मतलब कोई भी स्क्वायर लेना है कैलेंडर में से, ठीक है, उन पे लाइंस खींचनी है सेंटर पहले, और जो वो ऐसी लाइन होनी चाहिए जो कि जो सेंटर में जो नंबर है उस नंबर को टच करते हुए वो लाइन जानी चाहिए। तो उन सबका टोटल हमेशा क्या होगा? बराबर, एक जैसा होगा। क्लियर है? यस सर।